ये बड़े मुश्किल सवाल है मुझे, मैंने एक बार तो इलेक्शनों के मत पूछो, फिल्मों का पूछो या आगे आप क्या करने वाली हैं या बहुत खूबसूरत लग रही, ये वाले सवाल। लेकिन इलेक्शन मैंने एक बात बोली है कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं किया और इस बार मैं वोट करने वाली हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अच्छी सरकार बने, अच्छे मीडिया वाले आए। और बीच क्या हुआ, आप उदास क्यों है? अच्छा, मेरे चक्कर में काजोल निकल गई इसीलिए ना? नहीं, मुझे पता है सब लोग मुझे गालियाँ दे रहे होंगे, जल्दी बोल। अरे वो एक कहाँ गई मेरी बहन, बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था, किधर? वो अपने टाइम देख रहे हैं। क्या पूछा था आपने? औरतें अगर अच्छा घर चला सकती है तो अच्छा घर भी, मतलब देश भी चला सकती हैं और अच्छी गाड़ी भी चला सकती हैं। क्योंकि मैं खुद जब गाड़ी में जा रही होती, मैं ड्राइवर चला रहा था, तो आगे कितनी सारी औरतें होती जो एकदम से ब्रेक लगा देती हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी इतनी महंगी गाड़ी कहीं ठुक ना जाए। मैं चाहती हूँ कि यंग लोगों को बहुत मौका मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि मुझे लगता है कि नई सोच ही हमें आगे बढ़ा सकती है। और जितने भी इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं, सारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, तो दादाजी वाली फीलिंग आती है। इसलिए लगा कहानी सुनाएंगे कि एक बार स्वर्ग होता था, तो कहीं वैसे सपने ना दिखाए। तो मैं चाहती हूँ कि यंग लोगों को बहुत मौका मिलना चाहिए। लड़ाई लड़ सकती हूँ, इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, वादे झूठे नहीं कर सकती। और वैसे मेरे को बहुत शौक है कि मैं व्हाइट कलर की साड़ी पहनूं, इसे जुड़ा करूं, और मैं बड़े बड़े मतलब लाइक के जैसे कैटरीना कहती है ना राजनीति में, थोड़ा वैसे बनूं। लेकिन वैसा फिगर नहीं तो नहीं बन सकते, इसलिए सोचना ही नहीं, जो काम नहीं आता वो नहीं करना चाहिए। अभी मुझे ट्रक चलाना नहीं आता तो मैं ट्रक नहीं पकड़ सकती। मुझे लगता है कि मौका सबको देना चाहिए, कि उनको लगता है अगर मैं देश सुधार सकती हूँ, क्योंकि चढ़ाना उतारना हमारे हाथ में है। हम ऐसा तो नहीं कि एक बार उनको वोट दे देंगे तो वो सारी उम्र के लिए बन जाएंगी, नहीं करेंगी काम तो अगली बार उतार देंगे। तो मतलब ऐसा कि चढ़ाना और उतारना हमारे हाथ में है। एंगेजमेंट होती तो आप सब जरूर आते, और सुमित जी को भी पता है ऐसा कुछ नहीं है। कॉलम भरना था, किसी ने थोड़ी जगह थी, तो अरे क्या भारती आजकल किसके साथ है। मैं बहुत सारे लाइव शोज करती हूँ, टीवी का करती हूँ, तो मेरा राइटर मेरे साथ होता तो उनको लगता कि उसके साथ चक्कर है। मैं ये कहूँगी कि मैं ड्राइवर के साथ भी बहुत घूमती हूँ, क्योंकि मेरे ड्राइवर ही मेरी गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे डर लगता है कहीं मेरी मेरे ड्राइवर के साथ इंगेजमेंट की खबर ना आ जाए। तो भारती इतनी बिंदास लड़की, आपने किसी में भी शो में देखा होगा फ्लर्ट करना, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो या रणबीर कपूर, मैं मुंह पे करती हूँ। और भारती अपनी इंगेजमेंट की बात छुपाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग बोलते कि आप फेमस होने के लिए कर रहे हैं, तो भाई मैं फेमस बहुत हूँ, मुझे फेमस होने के लिए कोई स्टंट करने की जरूरत नहीं। क्यों सुमित, सही कहना? तो ताली किसने मारनी थी? गंभीर पर मुझे बहुत गुस्सा था, जब मुझे फोन करते रहे आपकी एंगेजमेंट होगी आप आई नहीं, तो मैं कहती हूँ भारती भाई अभी खत्म हुई है, थके हुए हैं, बाद में बात करना। तो ये जब हुई नहीं तो भाई क्यों करूँ, होगी तो सबको बुलाऊंगी, आप सब आना, खाना खाकर जाना। मेरा ही बंदा है, मैंने उसको बोला था कि ऐसा सवाल पूछना कि मैं इंटेलिजेंट साबित हूँ। थैंक यू, आपका पैसा आपको पहुंच जाएगा।